बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो रकत नफिल नमाज तोबा की नीयत से पढ़कर ये दुआ मांगो। ए अल्लाह, मैं आपका सख्त नाफरमान बंदा हूँ। मैं फरमा बरदारी का इरादा करता हूँ मगर मेरे इरादे से कुछ नहीं होता और आपके इरादे से सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इसलाह हो मगर हिम्मत नहीं होती। आप ही के इख्तियार में है मेरी इसलाह। ए अल्लाह, मैं सख्त नालायक हूँ, सख्त गुनाहगार हूँ। मैं तो आजिज़ हूँ, हो रहा हूँ, आप ही मेरी मदद फरमाइए। मेरा कलब ज़ईफ़ है, गुनाहों से बचने की कुव्वत नहीं। आप ही कुव्वत दीजिए। मेरे पास कोई सामान निजात नहीं, आप ही गैब से मेरी निजात का सामान पैदा कर दीजिए। ए अल्लाह, जो गुनाह मैंने अब तक किए हैं उन्हें अपनी रहमत से माफ़ फरमाइए। गो मैं ये नहीं कहता कि आइंदा इन गुनाहों का न करूँगा। मैं जानता हूँ आइंदा भी करूँगा लेकिन फिर माफ़ करा लूँगा। इस तरह रोज़ाना अपने गुनाहों की माफ़ी और अजज़ का और अपनी इसलाह की दुआ और अपनी नालायकी को खूब अपनी ज़ुबान से कह लिया करो। सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना ये काम कर लिया करो। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह ताला गैब से ऐसा सामान होगा कि हिम्मत कवी हो जाएगी, शान में भी बटा न लगेगा, दुश्वारियाँ भी पेश ना आएंगी। गैब से ऐसा सामान हो जाएगा कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते।